स्वागत है आपका डीएसए बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे मीठे होते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम उषा मौर्य है। कैसे आना हुआ अगर बात करें? जी, मैं बेसिक चंडीगढ़ से हूँ, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ एंकरिंग और मुशायरे भी करती रही हूँ, जो अभी तक मैं 400 गज़लें लिख चुकी हूँ, पोइट्री और गज़लें। तो शौक था, मैं एक टीवी चैनल धड़कन चैनल है जिसमें मेरी पोइट्री आती थी शाम को, तो वहाँ से मुझे मौका मिला था मॉडलिंग का। तो मैंने पहला सॉन्ग किया बंदूक दी गोली पंजाबी, उसके बाद मैंने साथ ही साथ 5 वीडियोज एल्बम किए, साथ ही मुझे ऑफ़र आ गया एक फीचर मूवी का लीड, तो वहीं से मेरी एंट्री हुई। और ट्रू लव एंड बेदर्द लोग, मैंने 2 मूवी की है लीड पे। और जब करना ही था तो मुझे लगा कि बॉलीवुड में एंट्री करना चाहिए, तो मैं बॉम्बे आ गई चंडीगढ़ से। उसके बाद हमारी जर्नी शुरू हुई बॉलीवुड की। करना चाहिए कुछ बड़ा करने के लिए, तो चंडीगढ़ से मैं बॉम्बे से। बॉलीवुड बहुत टफ है, तो फैमिली का कैसे सपोर्ट रहा? और दोनों ही अलग चीज़ है, एक्टिंग और राइटिंग दोनों अलग है, क्योंकि शायर अलग होते हैं, एक्टर अलग होते हैं। तो कितना मेहनत करना पड़ा आपको इस लाइन में आने के लिए, या पहले से कुछ बचपन की ख्वाहिश थी कि मेरे को एक्टिंग में जाना है? बचपन की ख्वाहिश सबसे पहले एक ही थी कि मुझे टीवी पर दिखना है, तो वो बचपन से सोचा था कि टीवी पर दिखना है। फिर जब मेरी पोइट्री आने लगी टीवी पे, तो मम्मी पापा बहुत खुश थे। मुझे पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे मम्मी पापा का है, हमेशा रहा है, और वो आज भी वो बहुत खुश होते हैं मैं कुछ भी करती हूँ। तो फिर जब बड़ा करना था, तो पापा ने ही सलाह दिया कि बेटा बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ेगा आपको। उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई, और साथ ही मैं अभी 2 सीरियल की हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और एक स्टार भारत पे आता था सीरियल साम दाम दंड भेद, उसमें भी मैं अभिनय कर चुकी हूँ। और सबसे बड़ी बात है, और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, कि अभी मेरी अपकमिंग मूवी है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, अजय देवगन सर और सोनाक्षी मैम के साथ। बहुत अच्छा रोल है उसमें, मैं एक पायलट की वाइफ हूँ जिसका नाम मंजुला है, तो मंजुला के रूप में आप मुझे नेक्स्ट ईयर 14 अगस्त को रिलीज होगी मूवी, देख सकते हैं आप सब। एंड अभी एक रियलिटी शो आ रहा है टैलेंट के सुपरस्टार, जिसमें एज अ जज आ रही हूँ, जिसे सपोर्ट कर रहा है नो योर सेल्फ फाउंडेशन, प्रेजेंट कर रहा है एंड सपोर्ट कर रहा है डीएसए बॉलीवुड चैनल। तो ये मेरी खुश नसीबी है, और सबका मैं थैंक्स करना चाहूँगी। हमारे साथ सतीश सर बैठे हैं, मैं इनका धन्यवाद करूँगी, इन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी आगे आने के लिए। तो मेरे गॉडफादर भी हैं निकिता रावल, जो मैं आज आप लोगों के समक्ष एक चंद पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ, जो खासकर वुमेन एम्पावरमेंट पे है और मेरी फेवरेट भी है, मेरी खुद की है। कि कौन कहता है अभिशाप है बेटियाँ, कौन कहता है अभिशाप है बेटियाँ, माँ कहती है आबरू आप हैं बेटियाँ, माँ कहती है आबरू आप हैं बेटियाँ, और वक्त कहता है तुम भी बदल जाओ, वक्त कहता है तुम भी बदल जाओ, क्योंकि इस जमाने की इंकलाब हैं बेटियाँ, क्योंकि इस जमाने की इंकलाब हैं बेटियाँ, क्योंकि इस जमाने की इंकलाब हैं बेटियाँ। और एक बहुत ही बेहतरीन शायरी है जो निकिता को बहुत पसंद है, बहुत मेरी फेवरेट है एक्चुअली, तो मैं उसे सुनाना पसंद करूंगी। आई होप कि आप लोगों का प्यार मिलेगा। कि एक समंदर है, एक समंदर है जो मेरे काबू में है, एक समंदर है जो मेरे काबू में है, और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, और एक उम्र है जो बितानी है उसके बगैर, एक उम्र है जो बितानी है उसके बगैर, और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता, और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। थैंक यू। तो मैं पहले से कायल हूँ, और जब जब मेरा मूड यहाँ वहाँ होता है या कुछ होता है, तो मेरा फ़ोन पहले सीधा इनको जाता है, और मैं बोलती हूँ कि मेरी फेवरेट सुनाओ, मेरी फेवरेट सुनाओ। और ये भी इतनी उत्सुक रहती है, इन्हें जब कॉल करो, उन्हें जब बोलो कि सुना दो, तो वो इतनी ही ब्यूटीफुल और इतने ही प्यार से सुनाती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि निकिता इतने प्यार से कहती है, तो मैं रुक ही नहीं पाती हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ, और अच्छा लगता है। यस, तो बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है, और अच्छा लगता है जब ये कहती है। पता नहीं क्यों, ये कोई भी पंक्ति सुनाए, मुझे मुझे
उनकी सच्चाई का एहसास होता है, तो और ज़्यादा ये कविताएं मुझे अच्छी लगती हैं। तो कुछ और अब तो ये मैडम स्टार बनने वाली है और उनकी खुद की बुक छपने जा रही है, कैन यू इमेजिन? आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। आपकी दो स्टैंड होस्ट उषा मौर्य, जो कि मैं अभिनेत्री भी हूँ, कवियत्री भी हूँ, आप बहुत सारी पोइट्री मेरी यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही थी कि मैंने पुरुषों के लिए कुछ नहीं लिखा है, तो मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पर बैठे सारे पुरुष जो हैं वो खुश हो जाएंगे। एक समानता, क्योंकि जो रथ का पहिया होता है, दोनों पहिए के बिना रथ नहीं चल सकता है, तो आप समानता देखिएगा कि शिव है नर, शिव है नर तो शक्ति है नारी, शिव है नर तो शक्ति है नारी, विश्वासी है पुरुष तो श्रद्धामयी है नारी, विश्वासी है पुरुष तो श्रद्धामयी है नारी, पुत्री रूप में पोषणीय है, पुत्री रूप में पोषणीय है, पत्नी रूप में अभिरमणीय, अभिरमणीय मतलब होता है सुंदर, कि पुत्री रूप में पोषणीय है, पत्नी रूप में अभिरमणीय, माता रूप में पूजनीय है, माता रूप में पूजनीय है, सभी हैं इसके गुण नमनीर, दयावान है, ममतामयी है, कोमल है दिल नारी का, सूर सपूतों की जननी है, सूर सपूतों की जननी है, चंडी भी रूप है नारी का, जब नारी सम्मान बढ़ेगा, जब नारी सम्मान बढ़ेगा, भारत का सम्मान तभी है, भारत का सम्मान तभी है, भारत का सम्मान। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Wow.